नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से प्रदेश भर के कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इसी के चलते अम्बाला के नगर निगम और नगर परिषद में भी पिछले 7 दिनों से कच्चे सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इसी कड़ी में अम्बाला शहर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कर्मचारियों ने बताया कि सरकार पिछले काफी समय से उनकी मांगें नहीं सुन रही है। वे लोग कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की मांग कर रहे हैं। कौशल निगम रोजगार को भंग करने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है और जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का हड़ताल का आज 8वां दिन है। सरकार से हम बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बातचीत से मसलों का हल करें, परंतु सरकार मसलों को सुनने की बजाय, बातचीत करने की बजाय एस्मा जैसे जो काले कानून है जो अंग्रेजों के टाइम में लगाए जाते थे वो लगा के हमें डराने का धमकाने का प्रयास कर रही है। परंतु हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं सरकार को, डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए सरकार बातचीत के रास्ते खोले। अभी दिवाली का दिन भी खट्टर साहब ने खुद बयान दिया कि रास्ते हम जो दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए आए, परंतु खट्टर साहब से हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि वो समय निर्धारित करें और बातचीत का स्थान निर्धारित करें। हम आने को तैयार हैं और बातचीत से ही हमेशा समाधान होता रहा है। सरकार बातचीत से भाग रही है, हम लगातार सरकार से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सरकार हमारी सुन नहीं रही। और ये 8वां दिन हड़ताल, आज का दिन जो है हड़ताल और ज्यादा बड़ी है पिछले दिनों से बजाय, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है सफाई की वो चरमराई हुई है और जो है प्रदेश की सरकार जो है जनता को बीमारी के घर में भेजना चाहती है। हम नहीं चाहते कि सरकार इस तरह के कारनामे करे और जो हमारे जो जनता है वो बीमार हो। हम जनता से भी अपील कर रहे हैं, उनसे भी क्षमा याचना कर रहे हैं कि इस आंदोलन में, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई में हमारी जो मांग है वो न्याय संगत है, तो सरकार हमारी न्याय संगत मांग को सुने, उसको लागू करे, यही संदेश आपके बीच देना चाहते हैं। इंदर सिंह बधाना, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रेस प्रवक्ता। संघ का उप प्रधान शेख खोड़ा जी, और जो आज हमारी 8वां दिन है हड़ताल का, हड़ताल हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारे हकों के लिए हड़ताल है। लंबे समय से हम अपनी डिमांड रखते आ रहे हैं। पहली डिमांड हमारी है जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल लागू की जाए और ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, और हमारा जो जोखिम भत्ता था वो भी लागू नहीं किया अभी तक, जोखिम भत्ता लागू किया जाए। और इसी दौरान हम जब तक सरकार हमारे साथ नहीं बातचीत करती, हम इसी तरह हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।